हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। तो उसमें पढ़ेंगे भारत की स्थिति, भारत का विस्तार और भारत का भूगोल। चलिए शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। कितना है? 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो हमारा भारत है उसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा सही उत्तर है सातवां। सबसे बड़ा है रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो आकार की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें स्थान पे आता है। सबसे नंबर एक पे आता है रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या विश्व की, उसमें से कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऊपर से लेकर नीचे तक भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है भारत में। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर। कितनी है? 2,933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। जो भारत की तटीय रेखा है उसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर है? 876 किलोमीटर पर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? मतलब भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्रीय सीमा बनाते हैं? तो सही इसका उत्तर होगा 9। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर से एक बार देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें से राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हमारे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। फिर से एक बार काउंट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज़्यादा जो गुजरती है रेखा वो मध्य प्रदेश से और सबसे कम रेखा जो गुजरती है वो राजस्थान से। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कैमोरियन। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कैमोरियन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग इंदिरा कॉल। याद रखेंगे
त्रिभाग का जो नो पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, और जो दक्षिणी बिंदु है सबसे दक्षिणी वो इंदिरा पॉइंट है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। दीव जो है वो एक द्वीप है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? जो श्रीलंका है उसको भारत से किसके माध्यम से अलग होते हैं? तो मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय भाग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत की भूमि समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट, पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप के हैं उनके जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं छोटे छोटे, वो किस प्रकार की उत्पत्ति है? तो प्रवाल से, उनकी उत्पत्ति प्रवाल से हुई है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह की जो स्थिति है वो अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? जो लक्षद्वीप द्वीपों के समूह से मिलकर बनती है उनकी संख्या 36 है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु जो कौन सा है? पूर्व गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? 67° 7' पूर्व गुजरात। 67° 7' पूर्व गुजरात। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी। 10° चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। 10° चैनल स्थित है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है स्थलीय सीमा। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। भारत की कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी भाग है? तो 43%। जो पर्वतीय भाग है वो 11% भाग पे है, और जो मैदानी भाग है वो 43% भूभाग पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाम्बन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाम्बन चैनल। भारत की पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। जो पश्चिमी तट है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, पूर्वी तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। जो दक्षिणी भाग है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील की दूरी। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैक मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन।
भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं? डूरंड रेखा। तो भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा, भारत अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।